स्टार्ट हो रहा है लेकिन जैसे गियर डालता है वैसे बंद हो रहा है। अभी ऑफ ऑन करते ऑफ करते स्टार्ट करते ल्याउँदै छु। अब न्यूट्रल में स्टार्ट हुन्छ। यसो बन्द भयो हो। यस्तो बिजोग भयो आजु कि। गाइस र हिजो म चाहिँ राति यताबाट आएको। यो चाहिँ NH27 गुवाहाटीको, अनि म बसेको रुम चाहिँ यस्तो छ। हिजो राति 11:30 आएको रुममा चाहिँ म अलमोस्ट यो प्याकिङ सेकिङ कामहरू भइसकेछ, राइडिङ ज्याकेट लगाउँछ, अनि यो सबै ब्यागहरू रेडी भइसकेछ, मोटर ब्लक सेटअप भइसकेछ, ट्याङ्कमा राख्नु छ है, सबै सेटअप भइसकेछ। र बाहिर चाहिँ यस्तो डरलाग्दो यहाँ घाम लागिरहेछ, हेर्नु सक्नुहुन्छ बिहानै यहाँ रेल कुद्दो रहेछ क्या। हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। र आज फेरि न्यू डे न्यू ब्लग, फेरि हजुर समक्ष एउटा अर्को नयाँ कथा। र यो तवाङ राइडको चाहिँ लास्ट एपिसोड हो र आज चाहिँ डे 8, अनि आज चाहिँ म आफ्नो घरतर्फ जाँदैछु। सायद सिलगढी जान्छु जाँदिनँ, हेरौँ अब कतिको राइड गर्न सकिन्छ। किन हिजो पनि म राति ढिलो आयो, अनि 11:30 मात्रै सुतेँ, 11:30 सुतेर फेरि 4 बजी उठेको, अनि एडिटिङहरू गरिसकेर अपलोड गरिसकेर चाहिँ अब अहिले यस्तै 7:30 भयो होला। अनि राइड गर्नु के कस्तो सक्छु सक्दिनँ, ज्यादा थाकेँ भने चाहिँ म सिलगढी होल्ड गर्नेछु अनि राइड गर्न सक्छु भने चाहिँ म सिधै घरतर्फ जानेछु। र आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईँले नछुटाउनु होला, सो स्टे ट्युन गाइस। ल त गाइस, म त हिजो यो बर्क्युट होटलमा बसेको। बर्क्युटको मिनिङ चाहिँ हुँदो रहेछ ब्रह्मपुत्र रहेछ यता। ओम साई शिव शम्भो, आजको यात्रा सफल रहोस्, रक्षा गर्नुहोस् प्रभु। ल त गाइस, मैले फेरि NH27 हाइवे पक्रेँ त। यहाँबाट दार्जिलिङको डिस्टेन्स चाहिँ 481 किलोमिटरको देखाउँदैछ, अनि टाइम चाहिँ 11 घन्टा जति देखाउँदैछ हाम्रो गुगल बाबाले। गुड मर्निङ फ्रम गुवाहाटी। र हजुर के कस्तो हुनुहुन्छ? सन्चय आरामै हुनुहुन्छ र म पनि एकदम ईश्वरको कृपा र हजुरको माया र साथले सन्चै छु। र हिजो चाहिँ म चाहिँ एक्चुली चाहिँ यस्तो घुम्नु पऱ्यो होटल नपाएर, होटल पनि पाएको परे ज्यादा एक्सपेन्सिभ क्या, 2600-2500 आम 11:30-12 बस्नु र रुममा आइपुगेको। रुम आएर फेरि सामानहरू यताउति राख्दा 11:30 भएको सुत्दा, अन्त बिहान उठ्दा चाहिँ तपाईँको 4:30 चाहिँ उठेर फेरि भिडियो एडिटिङ गरेर अपलोड गरेँ। सुत्नु चाहिँ यस्तै 4 घन्टा जस्तै मात्रै सुतेर फेरि राइड गर्दैछु म। एक्सपिरियन्स त गरेँ साथीभाइ मैले क्या, मोटर भ्लग गर्नु चाहिँ सजिलो चाहिँ छैन रहेछ। तपाईँहरूले मेरो भिडियो देश विदेशतिरबाट हेर्नुहुँदैछ है, र मलाई सपोर्ट गर्नुहुँदैछ, थ्याङ्क यू सो मच है। र तपाईँले यसरी नै कहाँबाट हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस्, के कस्तो फेरबदल गर्नुपर्ने हो, कहाँ जानुपर्ने हो, कसो गर्नुपर्ने हो, प्लिज तपाईँले सुझाउ दिनुहोस् मलाई है। र तपाईँहरूको साथ र सहयोग बिना चाहिँ डिप्रेन्सेभेन चाहिँ 0 छ। म त साथीहरू एकछिन सनग्लास लगाऊँ होला, आँखामा पुरा धुलो आयो कि, अघि चाहिँ लगाउनु सकेन त्यो बाँसले गर्दा क्या, गरम भएर पानी चाहिँ परेको छैन, घाम पनि लागेको छैन, पानी पनि परेको छैन, दिन यस्तै रहोस् क्या। पानी पऱ्यो भने फेरि हरै बिजोग हुन्छ, फेरि भिजेपछि फेरि सिक्सिक आउँदो हुन्छ क्या। ल त फेरि बाबा रोड कन्डिसन हेर्नुहाल्नुहोस् है, गुवाहाटीको हल्लाखुल्टी भएको, कार्पेटिङ नगरिएको, अधुरो छोडिदिएको, ट्रकले धुलो उडाएर धुलो कुहिरो बनाइदियो त अन्त। गाइस गुवाहाटीबाट म यस्तै 30 किलोमिटर जति चाहिँ राइड गरिसकेँ, अनि यस्तै 50-60 किलोमिटर राइड गरिसकेपछि चाहिँ ब्रेकफास्टको लागि ब्रेक लिनेछु।
त गाइस मैले भर्खरै NS27 अलरेडी स्किप गरिसकेँ अनि NS317 हाइवे पक्रेँ त बङ्गाल आसाम बोर्डर श्रीरामपुरमा फाइनली आइपुगेँ कत्रो कत्रो रहेछ स्पिड ब्रेकर भने आम्बो हो हो त गाइस ट्राफिक मालगाडी ट्रकहरूको ताँती लस्कर छि हामी जाने दिजे आज हमको जल्दी घर पहुंचना है हमको टाइम में खाना खाना है टाइम में सोना है OMH महाराष्ट्र गाड़ी हमको जाने दो श्रीरामपुर स्किप करे म यह मारबिसा भन्ने बजार आइपुगे बजार पनि स्किप करे भन लगभग लगभग अस्ति यो साइलेंसरले हात पोलेको म ग्लोव्स लाग्ने ग्लोव्स नलाई चलाउँदै थिएँ नि मैले अन्त पुरा ठेला उठेर फेरि ग्लोभ्स लाग्थ्यो अनि गरमले गर्दा यो टाइट भएर पुरा पोले क्या 290 किलोमिटर चाहिँ हिट गरिसकेँ र यहाँबाट दार्जिलिङको डिस्टेन्स चाहिँ तपाईँको अझै 200 किलोमिटर चाहिँ टाइट गरेर जानु चाहिँ यहाँनिर यो वृक्षको छहरी मुनि अलिक शीतलता महसुस भएर चाहिँ एकछिन ब्रेक लिएको अनि मेरो यो 100/350 वाइड एन्जललाई नि अलिकति रेस्ट दिएको दार्जिलिङ जान दार्जिलिङ जान अभी गुवाहाटी से आया गुवाहाटी से कल अरुणाचल से आया गुवाहाटी में रुका तो गुवाहाटी से सुबह निकला सुबह 8:15 में निकला गुवाहाटी से 8:15 में आठ नौ दस ग्यारह बारह पाँच घंटा में चला आया यहाँ पे पाँच घंटा में ऐसे 290 किलोमीटर एनर्जी ड्रिंक ठीक है भैया चलते ग्लोब सुन एक मत लाने पर इस घाव कर आफ्टर 20 मिनट्स ब्रेक राइटलाई कन्टिन्यू गरौँ अनि यहाँ पर राम्रो खाना खाऊ पाउँछ अरे 4-5 किलोमिटर खाना को लागि फेरि ब्रेक लिने छु है त दुई सके वाहनको चाहिँ यही हो एडभान्टेज चाहिँ ओ भाइ साहब एक मिनट भाइ फेरि टायर पङ्चर भयो नि यहाँ सिमा आइपुग्ने होला म खोल्ने भइरहेको छैन रहेछ यो एलएनकीको लागि फेरि यो डल्लै सामान निकाल्नु पर्ने भयो किनभने यसको सिटभित्रै हुन्छ डल्लै यसको सामान चाहिँ डल्लै सामान निकाल्नु पर्ने अवस्था भयो के भन्नु यहाँनिर हाँसेमा आइपुग्नु आँटे र पसिनाको धारा भयो र मन्च पनि गरेको छुइनँ त्यो डरलाग्दो गरम छ बाप्रे यहाँ भुप्रोमा बसे जस्तो भइरहेछ ठीक है चलते थैंक यू भैया ओके गाइस राइट है 3:56 गयो एक घंटा चाहिँ त्यसै वेस्ट भयो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँको निम्ती होटल रहेछ है यहाँनिर खाना एकदम राम्रो पाउँछ तपाईँहरू ओके गाइस फाइनली मेरो बाइकको टायर भयो एक्चुअली यो मेरो फ्रन्ट टायर मैले पहिल्यै चेन्ज गर्नुपर्थ्यो पुरै पत्लो भइसकेछ नमा चाहिँ यति बेला म
मालबजार पुगिसकेको हुन्छ। सेन्सर प्रब्लम भन्दैछ अहिले, मैले उयो गरेको थिएँ, चाबी अफ अन गर्दै अफ गर्दै स्टार्ट गर्दै ल्याउँदैछु। अब न्युट्रलमा स्टार्ट हुन्छ, यसो बन्द भयो हो। यस्तो बिजोग भएको छ कि यतालाई म घर पुगिसकेको हुन्थेँ। अब यसरी एकछिन रेस्ट दिनुपर्छ, रेस्ट दिएर फेरि दुई तिन मिनट रेस्ट दिएर फेरि न्युट्रलमा स्टार्ट गरेर ग्यारमा स्टार्ट गर्दै 2-3 किलोमिटर चलाउँदै लाँदैछ। अब यहाँ बिरपडामा चाहिँ वर्कसप छ भन्दैछ, यसको बिरपडामा इन्फिल्डको वर्कसपमा अब सेन्सर प्रब्लम हो के प्रब्लम हो त्यो देखाउने छु। हाँ, अभी मैंने फोन किया था ना, वो जो मेरा 150 है उस वो न्यूट्रल में स्टार्ट हो रहा है, जैसे गियर डालते हैं वैसे बंद हो रहा है। वो बाइक न्यूट्रल में स्टार्ट हो रहा है लेकिन जैसे गियर डालता है वैसे बंद हो रहा है। नहीं, अभी मैं चला के आ रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी हूँ ये बीरपाड़ा के सामने हूँ, ठीक है। और गाड़ी दो तीन मिनट रेस्ट करके न्यूट्रल में स्टार्ट करके फिर मैं गियर में डाल के 5-6 किलोमीटर चला के फिर से बंद हो रहा है, फिर से न्यूट्रल में डाल के फिर से गियर में डाल के वैसे लेके आ रहा हूँ, बीच बीच में गाड़ी बंद हो रहा है, ठीक है। सेन्सर प्रब्लम भन्दैछ अहिले, मैले उयो गरेको थिएँ, चाबी अफ अन गर्दै अफ गर्दै स्टार्ट गर्दै ल्याउँदैछु। अब न्युट्रलमा स्टार्ट हुन्छ, यसो बन्द भयो हो। यस्तो बिजोग भएको छ कि यतालाई म घर पुगिसकेको हुन्थेँ। खै के भयो साथीभाइ, हो यहाँ बिरपाडा आउने बेलामा बाइक अचानक यो न्युट्रलमा स्टार्ट हुँदैछ, फेरि ग्यार लाउँदा बन्द हुँदैछ। मुस्किलले ल्याएर आउँदैछु, रेस्ट गराउँदै स्टार्ट गराउँदै फेरि चलाउँदै फेरि बन्द हुँदै फेरि रेस्ट गर्दै फेरि ल्याउँदैछु। बिजुक भयो यो पालि चाहिँ, खै के भयो मसँग, यो तवाङ राइड गर्दा चाहिँ गएको दिन अशुभ भएको छ, धेरै कठिनाइ र धेरै दुःख कष्टहरू झेल्नु पऱ्यो। खै के भयो 150 राम्रो बाइक हो तर यसको के प्रब्लम हो, सेन्सर प्रब्लम हो के प्रब्लम हो। मैले यहाँ सर्भिस सेन्टरमा चाहिँ कल गरेको छु, अन्त यहाँ चेक गर्नु चाहिँ आउँदैछ। हो भाइले चाहिँ यहाँ आयो है, यो मेरो बाइकमा क्या इस्यु हो, चेक गर्नको लागि आ रहा है। यो सेन्सरको इस्यु हो क्या भाइ? हाँ भाइ, सेन्सरकै इस्यु है। अरे ये 17,000 चला के ऐसा हुआ, पहले ऐसा नहीं हुआ था कभी नहीं, ठीक है। लेकिन अभी मैं अरुणाचल ट्रिप करके ऐसे 2,000 किलोमीटर चला के जब गुवाहाटी पहुँचा रात को ट्रैफिक में था, ठीक है, तो उस वक्त अचानक से गाड़ी बंद हो गया, न्यूट्रल में डायल कर फिर से स्टार्ट करके लेके आया होटल तक, ठीक है। तो सुबह भी स्टार्ट हो गया लेकिन आते वक्त जो रास्ता नहीं अचानक बंद हो गया, फिर रेस्ट करके न्यूट्रल में स्टार्ट करके फिर से लेके आया, फिर रेस्ट करके ऐसे करके लेके आ रहा हूँ। बहुत ही परेशानी हो रहा है, मैं क्या करूँ। क्या हुआ था भाई? सेंसर खराब था। अब हो गया, अब ऐसा धोखा नहीं देगा? धोखा नहीं देगा, सेंसर है ना, हाँ, इसको नमन से बंद हो जाता है, उसको बिना चलाना पड़ेगा, वो बंद नहीं होगा नमन से। मेरा क्या मतलब? जो सेंसर था ना, जो स्टार्ट नमन से गाड़ी स्टार्ट नहीं लेता था, हाँ, वो इसका ये खराब हो गया, उसलिए गाड़ी गियर पे बंद हो जाता था। तो सही स्टार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। अरे इससे तो थोड़ा मैं एक्सीडेंट होने का चांस होना, ये सेंसर नलाई नहीं लगा सकते? अभी तो वर्कशॉप पे जाकर करना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। तो फाइनली मैं पहुंच गए रॉयल इनफील्ड शोरूम, सर्विस सेंटर एंड शोरूम बीरपाड़ा। लेके जाए भाई, साइड स्टैंड का जो सेंसर वही निकाल रहे हैं ना भैया? वही निकल रहा हूँ, वही खराब हुआ था ना, वही खराब हुआ था। तो ये जो 150 का जो साइड स्टैंड का जो सेंसर, इसका प्राइस है 370। ये मैं चेंज करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई भी रिक्स देना नहीं चाहता हूँ, इसी कारण से मैं चेंज करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये वाला जो सेंसर है, वो इंजन कटअप का सेंसर, ये खराब हो गया ना भाई? खराब हो गया था ना भाई? खराब हो गया। तो इसका जो नया वाला, इसमें लगने जा रहा है गाइस, अपना ये जो क्लच कैब वाला वो भी टूट गया है, देख सकते आप लोग, यहाँ ये भी टूट गया है, ये भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अलग सा ये जो मीटर 350 का जो हैंडल बार वो इंच किया था, और ये माइजर के साथ में इसी कारण से थोड़ा ऊंचा हो गया था।
तो ऐसा लगता है कि फिर ये क्लच क्या कर दी, चेंज करना पड़ेगा। और ये पुराने वाला छोटा था। थैंक यू भैया, थैंक यू। ल द गाइस भयो मेरो बाइकको काम चाहिँ। थ्याङ्क गड है, अलिकति सर्भिस सेन्टरको छेउतिर नै बाइकमा बाइकले चाहिँ प्रब्लम देखायो, त्यही ढुक्क लाग्यो। ठिक है भैया, चलते हो। दुसरा वाला भाइ कहाँ गयो? हो जो बाइक लेके आए ना, चला गए हो बाइक। हो ठिक है, ठिक है, ठिक है, चलते भाई। तुम भी आओगे ब्लॉक में, ठीक है? हाई कर दे से, ठीक है। मेरे को इधर जाना है ना, सिलगुड़ी इधर जाना है ना, इस तरफ है ना सिलगुड़ी? हाँ, बाइक इधर रख दिया ना। स्ट्रेट, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी जी जी, मेरे देव हो रहा है। नाम बोलिए यूट्यूब चैनल। अरे दीप किरण, दीप किरण, दीप किरण, दीप किरण। हाँ ठीक है, अभी आप सब्सक्राइब कर, हाँ घर में जाके, ठीक है, ठीक है, कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस जर्नी। ओके ओके, थैंक यू। सिलीगुड़ी 112 किलोमीटर, जलपाइगुडी 63 किलोमिटर, मालबजार 49 किलोमिटर, सिवक 81 किलोमिटर, सिलगढी 103 किलोमिटर। हाउ द गाइस, दिन ढलेर साँझ सुरु भयो, इट्स अलरेडी 6:10 गयो। बाँदरहरूको बजार बानरहाटमा आइपुगेँ त। यहाँबाट गुवाहाटीको डिस्टेन्स भन्नुपर्दा चाहिँ 360 किलोमिटर जति पर्दो रहेछ है। र अहिले टाइम भन्नुपर्दा चाहिँ 6:20 भयो। म डाइना ब्रिज आइपुगेँ। यहाँ मुनि बहने नदी चाहिँ डाइना नदी, डाइना रिभर भन्दो रहेछ। मालबजार आइपुगेँ। मालबजारबाट चाहिँ गुवाहाटीको डिस्टेन्स भन्नुपर्दा चाहिँ 400 किलोमिटर रहेछ, लगभग 400 किलोमिटर। अहिले टाइम चाहिँ ठ्याक्क 7:00 त। निन्द्रालाई यस्तो भयो कि, अन्त यो ड्रिङ्क्स ब्रेक, यसले चाहिँ निन्द्रा लाग्दैन नि त बाइक चलाउँदा। फेरि रातितिर निन्द्रा लाग्यो भने फेरि प्रब्लम भइहाल्यो नि त। ल त गाइस, आफ्टर राइडिङ 430 किलोमिटर म भर्खर कोरोनेसन ब्रिज पाकपुल आइपुगेँ त। अहिले ठ्याक्क 8:00 त। अब हेरौँ टिस्टाको बाटो के कस्तो छ। टिस्टा भएर जानु कि यता टिस्टा भ्यालीबाट जानु भयो, यसो हेरौँ। अब सोधखोज गरेर चाहिँ जानुपर्छ, किनभने मनसुनको सिजन हो। जाँदैन, त्यो भएको रहेछ नि बाटो। कहाँ जान्छ बाइक भन्ने त, त्यो ढुङ्गा चाहिँ हराउन सक्छ। जाँदैन नि त,
परतिर पनि मान्छे कोहीले नभने क्या यता आउँदै गरेको एकछिनमा दुःख पायो र भाइ चाहिँ मैले त्यहाँनिर राखेको छु लौटाउ लागौँ परतिर पनि मान्छे कोहीले नभने क्या यता आउँदै गरे पनि बिचमा दुःख पायो हेर बाइक चाहिँ मैले त्यहाँनिर राखेको छु लौटाउ लागौँ फेरि ओम साई शिव शम्भो छ यो मेरो तमाङ ट्रिपमा नि गएकोदेखि दुःख गएको मैले साइकल आऊ भैया टाइम नै लाग्यो होइन जी गाइस अल सेट अप टु गो र हिजो चाहिँ म चाहिँ यो अक्षरा होटलमा बसेँ एकदमै ढिलो पनि भयो थाकेँ पनि त्यसैको लागि भ्लग बनाउनु मन लागेन कसैसँग बोल्नु मनै लागेन अनि आज चाहिँ यो नेक्स्ट मर्निङ हो अब चाहिँ म आज चाहिँ मेरो घरतर्फ जाँदैछु गाइस फाइनली म मेरो घरमा छु यो चाहिँ नेक्स्ट मर्निङ हो हिजो राति चाहिँ म भ्लगिङ गर्नु मन लाग्यो धेरै थाकेको थिएँ र तवाङ ट्रिपमा बाइक रनिङ कति भयो र बाइकले के कति माइलेज दियो र के कति खर्च लाग्यो त्यसको म छुट्टै भ्लग बनाउने छु र नर्थ इस्ट तवाङ राइड सक्सेस भयो आई होप हजुरले नि इन्जोय गर्नुभयो यदि मन परिसक्दा चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर अनि च्यानलमा नयाँ हुन्छ प्लिज सब्सक्राइब गर्नु नभन्नु होला ल त आजलाई यतिमा बिदा लिँदैछु नबरीमा चाहिँ दैवले साँच्चै फेरि भेट होला अनि हजुर सधैँ खुसी र स्वस्थ रहनु चाहिँ नभुल्नु होला यता